के अंतर्गत बेटी से मिलने जा रही मां को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने घायल महिला को CHC में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरेनी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के रहने वाले सुनील कुमार की पत्नी सुमन 45 वर्ष शुक्रवार को बेटे सचिन के साथ साइकिल से बेटी मोनी से मिलने उन्नाव जिले के भगवत नगर कस्बे जा रही थी। अभी वह करीब 3 किलोमीटर आगे ही बढ़ी थी कि तभी सरेनी पूरे पांडे मार्ग के वलदरा गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक चालक ने पीछे से सुमन को टक्कर मार दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से भागने में सफल रहा। राहगीरों ने घायल महिला सुमन को CHC में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जब इस संबंध में CHC अधीक्षक अमल पटेल से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में महिला को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पता क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील है साहब। क्या घटना हुई है साहब? ये हमारी बीबी जा रही थी भगवंत नगर साहब, हमारी औरत के यहाँ जी बच्ची को बिटिया को बिटिया हुई थी साहब, लेके जा रही थी जी। रोड पे जाके थोड़ा रुकने से कहा पानी पी ले, थोड़ा रुक जा बच्चे, साइकिल से बच्चा रुक गया, पानी पीने को जा रही थी नल पे साहब। कुचल दिया था। किसने कुचला, कहे से कुचल गई? ट्रक से साहब। ट्रक से नहीं साहब, नहीं गई, टक्कर मार के निकल गया। टक्कर उसके लगी हुई। तो क्या हुआ, मौत हो गई मौके पर ही? मौके पर मौत हो गई। वहाँ से दूसरे आदमी उठा के वहाँ से लाए, यहाँ पे भर्ती किया।